विधानसभा का चुनाव 2020 इसी वर्ष होना है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण को बनाने में लगी हुई है, चाहे राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सभी लोग अपने अपने समीकरण को बनाने में लगी हुई है। हम विधानसभा की अगर सीट के बात करेंगे तो पटना जिला का मोकामा विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पर निर्दलीय विधायक अनंत सिंह हैं, जो बाहुबली भी हैं, अभी जेल में हैं फिलहाल, और वहाँ की जो जातीय समीकरण है, वहाँ की जो स्थानीय मुद्दे हैं इस बार क्या रहेंगे, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे ग्रुप एडिटर हैं रविशंकर जी, वो जुड़ रहे हैं मोकामा विधानसभा से, जहाँ पे वो बताएंगे कि उस विधान मोकामा विधानसभा की इस बार जो स्थिति होगी, जो स्थानीय मुद्दे होंगे वो क्या होंगे, क्योंकि जो वहाँ के विधायक हैं अनंत सिंह, वो अभी जेल में है फिलहाल, और उनको उनकी जो पत्नी है वो कांग्रेस से मुंगेर लोकसभा से चुनाव लड़ी थी, और अभी जो कहा जा सकता है कि जदयू और जो से जो है अनंत सिंह का 36 का अभी आंकड़ा चल रहा है, वो एकदम आन पे लिए हुए हैं इस सीट को लेके। तो रविशंकर जी आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार स्थानीय मुद्दा हावी रहेगा या फिर वही जात पात का चलेगा वहाँ पे, क्या मोकामा में वहाँ की लड़ाई होगी जात पात के आधार पे। देखिए, जहाँ तक स्थानीय मुद्दे की बात है तो यहाँ स्थानीय मुद्दे हैं, औद्योगिक मुद्दे हैं, यहाँ कई सारे इंडस्ट्रीज मोकामा विधानसभा में थे जो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, और वो अनंत सिंह ही विधायक थे तभी बंद हुए हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसका इसमें अनंत सिंह का कोई रोल नहीं है, वो उनके विधायक रहते ही सारे इंडस्ट्री बंद हुए हैं। लेकिन एक सिंपैथी वोट होता है, पिछली विधानसभा की चुनाव की बात हम करें तो पिछले विधानसभा के दौरान भी वो जेल में थे, और उनकी पत्नी नीलम देवी जो इस बार मुंगेर से लोकसभा का चुनाव लड़ी कांग्रेस के टिकट पर, उन्होंने उनका चुनाव प्रचार किया और चुनाव वो जीते भी। तो अभी तक अनंत सिंह ऐसा कुछ नहीं कर सके हैं विकास कार्य पूरे क्षेत्र के लिए, जो विधायक फंड से होता है वो उन्होंने जरूर किया है, जो विधायक फंड से किया जाना होता है, लेकिन कोई बड़े पैमाने पर ऐसा कार्य अनंत सिंह ने किया हो। लेकिन रविशंकर जी, ऐसा है कि वहाँ पे अनंत सिंह लगातार चुनाव जीत रहे हैं, चाहे वो जेल में रहे, जेल से बाहर रहे, जनता के नाम पे मोहर लगाती है। पहले की स्थिति अलग थी, चूंकि वो सरकार के साथ थे, तब वो किसी दल के साथ थे, यहाँ का स्थानीय नीतीश जी का चेहरा था उनके साथ जुड़ा हुआ, तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा चुनाव पर। लेकिन एक बात और है, जो सहानुभूति वोट जिसे आप कहते हैं, जो पिछली बार उन्हें जिसका फायदा मिला था, इस बार भी उन्हें जरूर उसका कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन समीकरण क्या बनता बिगड़ता है ये अभी नहीं तय किया जा सकता है, क्योंकि आने वाला जो वक्त है उसमें कैंडिडेट कौन कौन से होते हैं, LJP कौन सा कैंडिडेट देती है, रोजगार का मुद्दा भी हावी रहेगा क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि रोजगार यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। राजेंद्र सेतु के बंद होने के बाद, यहाँ रोजगार इंडस्ट्री के बंद होने के बाद, बालू उद्योग जो था उस पर, ट्रांसपोर्ट उद्योग और बालू उद्योग को लेकर लोग मोस्टली जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन राजेंद्र सेतु के बंद होने के बाद यहाँ के लोगों में भारी मात्रा में बेरोजगारी है और सरकार के प्रति भी नाराजगी है, इसका कुछ फायदा अनंत सिंह को मिलेगा। रविशंकर जी, एक मुद्दा और आता है कि एग्रीकल्चर कृषि को लेकर टाल का क्षेत्र पड़ता है, टाल के लोग काफी क्या कहता है भयभीत भी रहते हैं, वहां पे गैंगवार की स्थिति हमेशा बनी रहती है, तो स्थानीय विधायक होने के नाते ये स्थितियों पे अंकुश अभी तक लगा है कि नहीं लगा? नहीं, गैंगवार की जो बात आप बोल रहे हैं टाल की स्थिति को लेकर, वो जरूर बंद हुआ है, वो सरकार के प्रयास से बंद हुआ है, और सरकार ने टाल योजना के लिए जो स्थानीय अभी वर्तमान सांसद है मुंगेर से ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह, वो उन्होंने काफ़ी कुछ प्रयास भी किया है, हालांकि फलीभूत नहीं हुआ उनका प्रयास, लेकिन वो प्रयास कर रहे हैं। गैंगवार की स्थिति अब नहीं है, अनंत सिंह का इसमें कोई रोल। चलिए, गैंगवार की स्थिति नहीं है तो गैंगवार की स्थिति नहीं। धन्यवाद रविशंकर जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे मोकामा के विधानसभा के हालात के बारे में बता रहे थे कि इस बार का विधानसभा का चुनाव किस आधार पे होगा, और इस बार जो मुद्दे होंगे वो रोजगार और उद्योग धंधे पर जो लोगों का स्थानीय मुद्दा है उस पर होगा इस बार का विधानसभा चुनाव। अब देखने की बात होगी जनता किस नाम पर मुहर लगाती है। धन्यवाद।